देखिए, वैसे तो आज हमारा प्लान था कि आज हम लोग जाएंगे मम्मी के बर्थडे की शॉपिंग करने, लेकिन तेज बारिश के कारण आज हम लोग शॉपिंग करने नहीं जाएंगे। आज हम लोग गिफ्ट बनाने के लिए, वाला गिफ्ट वो करने जाएंगे, गिफ्ट की लिस्ट बनाने जाएंगे। तो आज हम लोग 5:30 बजे निकलेंगे, अभी तो खैर 12 बज रहे हैं। अभी मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ, अभी मेरी बहुत बची है, मतलब 2 बजे ख़त्म होंगे, अभी 12:30 बज रहे हैं। तो जब वो ख़त्म होते तब मैं आपसे मिलती हूँ और साथ में फिर हम लोग जाएंगे लिस्ट बनाने। गाइस मैं ना चुकी हूँ, मेरी क्लास भी पूरी हो चुकी है। अभी बज रहे हैं इतने, कितने बज रहे थे पूरी गाइस, अभी बज रहे इतने। आज क्या है ना, बारिश हुई थी तो ना ऐसा हो भी सकता है कि हम लोग आज ही जाएं, लेकिन पक्का भी नहीं है। तो मैं ना अपने पैसे लेकर जाऊंगी, प्रिया और मेरे पैसे लेकर ही जाऊंगी, कि ताकि ऐसा लगे, मतलब ऐसा हो अगर बाय चांस हम लोग गए भी लिस्ट बनाने के बाद टाइम बच गया तो हम लोग चलेंगे और लिस्ट भी लेकर। हाँ, लोग लिस्ट लेकर जाएंगे। अगर आपको मेरे पापा देख रहे हैं तो मैं नहीं दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको देखो प्रिया को दिखाती हूँ, प्रिया कितनी क्यूट कह रही है कि उसको नजर लग जाएगी, नजर लग जा। तो गाइस आज हम लोग जाएंगे 5 बजे, तो फिर हम लोग चलते हैं। देखो मॉम मेरी। तो ठीक है गाइस, हम लोग मिलते हैं, लेकिन बीच बीच में मिलते रहेंगे, ठीक है। जब मैं तैयार होंगी तब भी मिलते रहेंगे, तो मैं ऐसे ही कपड़े पहने, ठीक है। अभी 4:06 हो रहे हैं, हम लोगों को जाना है 5:30 बजे। सो अभी मैं ऐसे ही, मतलब कुछ भी जो मुझे करना होगा वो करूँगी, उसके बाद 4:30 बजे जब तक मैं जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। हाँ पता है, अभी बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 5:13, हम लोग तैयार हो रहे हैं और अब हम लोग निकलेंगे 5-10 मिनट में। तो चलो, सब मैं पहन रही हूँ अपनी जीन्स, सो जीन्स पहन के आपसे मिलते हैं। चुकी हूँ तैयार, अब मैं जा रही हूँ और आपको मिलती हूँ। हम लोग निकल चुके थे, हम लोग मास्क पहनने भूल गए थे, सोचो यार कैसा होता है, यहाँ पे तो पुलिस बहुत मिलती है। तो अभी हम लोग, प्रिया मास्क लेने के लिए गई है, तो हम लोग जा रहे हैं। वो क्या है आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ना पूरा गीला हो रखा है, तो आपको ना रोड के दिखाऊंगी, क्योंकि अगर पहुँच के दिखाऊंगी। देखो गाइस पूरा गीला हो रखा है, इसलिए आपको अगर पहुँच के दिखाऊंगी। पता है कि लड़की आई नहीं, जाने कब हम लोग निकलेंगे, है तो पास में लेकिन पता नहीं कब निकलेंगे, ऐसे अगर टाइम लगा दे रही है तो ये बताती हूँ आपको। पहुँच तो गई हूँ, लेकिन अभी ना क्या करूँ यार, ये बंद है गेट, और मेरे ख्याल से वो पूजा करने के लिए गई थी, तो उधर है, तो फोन करके देखते हैं। मेरी बुआ के घर की जस्ट नीचे का मंदिर है और वो उधर ही हैं, तो हम लोग अभी उधर जा रहे हैं, तो फिर हम लोग उनके साथ ही आएंगे, इसका मतलब अरे बेफो इनका मंदिर है, इनका असली मंदिर है। मंजू हुआ यहाँ पे, मंजू हुआ इधर है, लो हम लोग उनके घर पे गए हैं। भारती मैम है तेरी, मैं उनको बोल देती हूँ कि चलें फिर घर पे जाके मिलते हैं। गाइस सभी ना मंजू हमें मिल चुके हैं, हम लोग वापस से ऊपर जा रहे हैं, एंड अब हम लोग करेंगे लिस्ट की प्लानिंग। हाँ आज गिफ्ट लेने नहीं जा रहे, लेकिन लिस्ट की प्लानिंग करेंगे और कल हम लोग गिफ्ट लेने के लिए जाएंगे। हो सके तो मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड नहीं करूँगी, कल मैं गिफ्ट लेकर आकर ही करूँगी ये वाला ब्लॉग एंड। सो आएगा तो मज़ा, तो हम लोग उनका वेट करते हैं। अब 1-2 मिनट में आने वाले हैं, वो क्या है ना, फोटो सेशन चल रहा था तो इसलिए। सो अभी ऊपर जाएंगे हम लोग और वो करेंगे, तो तब तक के लिए। अंदर तो कोई नहीं है, मैं तो बेल भी बजाई। हाँ मैं भूल गई थी बीच में क्लिप डालना, और मैंने पूरी, मैंने और बुआ ने मिलके जो भी चीज़ 2-2 बार लिख दी थी उसको कैंसिल करके हमने अलग अलग चीज़ें कर ली हैं। अब कल जब हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे तो आपको दिखा देंगे, तो कल के लिए वेट करो। हमें इधर 1 घंटा हो गया, हम लोग जाने वाले हैं। अरे नहीं ना, 8 बजे जाएंगे, 8 बजे पागल हो गई है ये। आप आओगी वीडियो में? सो सब लोग कैमरा शाय हैं। आप मेरे बालों को इग्नोर करिए, क्योंकि मैं कुछ करके नहीं आई थी, कहूँगी क्योंकि हमारा घर बहुत पास है मेरी बुआ के घर से। तो ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग घर आ गए हैं, 7:05 हो गए हैं और हम लोग घर आ गए, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। एंड गाइस अब ना हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग जाएंगे
कल का पक्का है हम लोगों का प्लान कि हम कल हम लोग गिफ्ट पैक गिफ्ट लेने के लिए जाएंगे। एंड कल है 1 सितंबर, मम्मी का 7 सितंबर का बर्थडे, तो कल हम लोग जाएंगे गिफ्ट लेने के लिए। और तो जब हम लोग जाएंगे ना, तब मैं जब उनके घर जाने को होंगी तब मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज मैं ये कह रही थी कि ना मैं ये जो मम्मी को गिफ्ट दे रही हूँ वो सब आपकी वजह से दे रही हूँ, नहीं तो फिर मैं मम्मी को गिफ्ट नहीं देती, मैं एक ही गिफ्ट देती हूँ मम्मा को, लेकिन आपकी वजह से मैं चीप और एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रही हूँ। 8:30 बजने वाले ऑनलाइन क्लासों के लिए उठी थी लेकिन अब बारिश देखी। इतनी तेज बारिश हो रही है, अभी रुक गई 9 बजे से पहले या फिर 9 बजे तो हम लोग जाएंगे आज भी शॉपिंग करने, लेकिन मैं मना कर दूंगी फिर अगर नहीं रुकी तो। गाइस देखिए 9:51 हो रहे हैं, अभी मैंने बाहर आके देखा है कि बारिश रुकी कि नहीं रुकी, तो देखते हैं। बारिश देखिए, बारिश अभी भी हो रही है, और जल्दी से बंद हो रहा है यार, चाहे कुछ भी हो रहा है मतलब भले ही आज बारिश हो चाहे ना हो, हम लोग तो भाई जाएंगे आज। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है गाइस, 10:30 बज रहे हैं एंड अभी तक बारिश नहीं रुकी अभी तक। और एक सेकेंड, मैंने बुआ को फ़ोन भी करने की कोशिश करी कि आज जाऊँगी कि नहीं, लेकिन बुआ फ़ोन नहीं उठा रही है। मैं अभी भी कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ उनको फ़ोन करने का, तो ठीक है मैं फ़ोन करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि उठा रही है कि नहीं। गाइस मेरी बात हो चुकी है बुआ से, बुआ ने मुझे बोला कि अभी तो पूरा दिन पढ़ा है। हाँ पूरा दिन पढ़ा ही है यार, 10:30 ही बजे अभी ना। उन्होंने बोला कि अगर 4:30 बजे तक मौसम बढ़िया रहा तो हम लोग चल लेंगे, मतलब पूरा गारंटी है कि हम लोग जाएंगे, मगर अगर बारिश रुकी तो, अगर बारिश नहीं रुकी तो नहीं जाएंगे। देखो भाई ये बुरी बात है, फिर कल जाएंगे ठीक है, लेकिन अगर आज बारिश रुकी तो आज चलेंगे। अभी 11:07 हुआ, अभी मैंने देखा नहीं, अभी देख रही हूँ अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो बूंदाबांदी जिसको कहते हैं। यार काश बारिश खत्म हो जाए, आज मुझे लेने जाना है यार, आज मेरा बहुत मन है। अभी काश 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 क्लास काश, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इन्ना सा टुकड़ा चांद का, इतनी सी दुखी। हाँ जो भी है चलो, कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग जाएंगे आज शॉपिंग के लिए, सो दैट्स ट्रू। अभी मैं उनके घर जा रही हूँ, उनके घर से हम लोग निकलेंगे शॉपिंग के लिए। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे अपने बाल बनाने हैं एंड मम्मी का फ़ोन लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी के फ़ोन पे ना कवर भी लगाना है, तो ठीक है ठीक है अपने फ़ोन में भी लगाऊंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन का कवर ख़राब हो चुका है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, मगर एक पार्ट से थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मुझे वो जो रेनबो केस है ना, रेनबो केस वो लगवाना है, तो इसलिए मैं वो लगवाऊंगी। मम्मी का भी अगर मिलेगा तो मम्मा के लिए भी वही लगा लूँगी, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। तो उधर पहुँचेंगे जब हम लोग बुआ के घर पर, तो आपको बताएंगे, फिर निकलते मैं आपको पूरा सीन दिखाऊँगी। मैंने अपनी टी शर्ट चेंज कर लिया है, ये पजामा चेंज जीन्स पहन लिया है, अब ना थोड़ी देर फ़ोन को, अरे यार काश मेरे पास कैमरा होता बिना चार्ज करे होता, अरे हाँ यार काश जल्दी ठीक करा दे बाबा, आज बोलूँगी फिर वापस से। 3:58 हो रहे हैं, अब मैं निकलने वाली हूँ, बस फ़ोन को थोड़ी देर चार्जिंग पर लगा रही हूँ, सो ठीक है। कैमरा से मैं जल्दी शूट करूँगी, देखना अगली वीडियो कैमरा से ही होगी। हम लोग निकल रहे हैं, वो ना यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इसलिए हम लोग आपको गली में नहीं दिखाएंगे, उनके घर जाके ही दिखाएंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं, अब हम लोग पहले मैं फ़ोन का चार्जर भी लाई थी, अब मैं चार्ज करूँगी ताकि हो जाए, उसके बाद फिर जब जाएंगे तब फिर। अभी मेरी बुआ रेडी हो रही है, तो ठीक है बाय। 5 बज चुके हैं, हम लोग शॉप में आ चुके हैं, ये आपके लिए भी सरप्राइज रहेगा कि हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग आपसे मिल के देखेंगे, आपको नहीं बताएंगे, आप गिफ्ट के टाइम भी। हाँ कितने का आई है? 125 रुपये लेने वाले पैसे बाद पैसे वो जो तुम्हारे बजट चूड़ी भी आ गई, चूड़ी भी लेने की जरूरत भी नहीं है। सारे गिफ्ट ले लिए हैं, अभी ना उसको ना पैकिंग कराने के लिए हमने उधर रखा है, अभी मैं अपनी बुआ के घर जा रही हूँ, उसके बाद 8:00 तक मैं जाऊँगी, और 8:00 तक मैं बुआ के यहाँ से वापस गिफ्ट लेने के लिए जाऊँगी अपनी दीदी के साथ, तो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स हैं, तो देखते हैं आप मम्मी का रिएक्शन कैसा होगा उनके बर्थडे पर। हम लोग घर आ चुके हैं मेरी बुआ के, सो अभी हम गिफ्ट नहीं लाए हैं।
हम लोग घर आ चुके हैं। मम्मी ना क्योंकि ना वो गिफ्ट पैक होने में बहुत टाइम लगेगा ना, इसकी वजह से ना अब हम लोगों को 8:30 बजे तक इधर रुकना पड़ेगा। फिर मैं अपनी दीदी के साथ जाऊंगी गिफ्ट लेने के लिए वापस से ना, इसलिए उसके बाद घर चलेंगे। लोग दीदी के साथ अपने गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं, जाके आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा। फोन पूरे टाइम छुपा के रखना पड़ेगा, तो वीडियो देख सकते हो। अब क्या करोगे मतलब इनको वैसे ही कर। सारे गिफ्ट सारे अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 ही है पूरे, ये देखो, ठीक है। छोटे छोटे हैं लेकिन एक्सपेंसिव बहुत हैं गाइस। वो ना अब ना मम्मी का बर्थडे 2 डेज बाद, तो हम लोगों को ना बहुत मज़ा आएगा। बेचारी मम्मी को तो पता भी नहीं है, इतना मज़ा आएगा जब खोलेंगे उनके रिएक्शन देखेंगे। हमारा केक है, ये हम है कुछ नहीं हो रहा। और कार्ड को आज हो गई है 6 तारीख, कल बचा है टाइमिंग, अब आएगा मजा जो आने वाला है ना। पैसों की जगह हमने एक और गिफ्ट कर दिया है, वो आपको नहीं बताऊंगी अभी, अभी बताऊंगी। आज गए थे हम लोग घूमने, तो हम अभी बज रहे हैं 3:12 बजे, मम्मी का बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। कल भी केक कटा था, आज भी कटेगा, परसों भी कटेगा, ठीक है। 7 तारीख को यानी कल। हर मम्मी का बर्थडे में बस 1, 2, 3, 4 घंटे बचे हैं, 8 बज रहे हैं। और ये नहीं मेरी मम्मा, अरे नहीं दिखा रही यार, कल दिखाऊंगी आपको सीधे ही। 5 घंटे हैं अभी, 1, 2, 3, 4 घंटे हैं, कल दिखाऊंगी आपको मम्मी को मैं अपनी, ठीक है, दिखाऊंगी ना। मना कर रही है लेकिन मैं दिखाऊंगी, मम्मी के यहाँ पे फोन है, मम्मी वो कर रही है ना, ठीक है बाय, कल मिलते हैं आपसे 12 बजे। अभी बज रहे हैं इतने, और मम्मी का रात का केक आ चुका है, 12:00 पे काटेंगे। अभी अभी आया है फिंगर लिशियस का, काटते हुए वीडियो दिखा दूंगी आपको, ठीक है। ठीक है गाइस, केक आ चुका है, अभी 11:30 बज गए हैं, मतलब दिखाती हूँ आपको कितने अभी इतने बजे हैं। पापा आने वाले हैं लेकिन केक काटे समय हम लोग बनाएंगे वीडियो, एंड वो वीडियो मैं इसमें ऐड कर दूंगी अगर हो सका तो। हाँ वीडियो तो ऐड कर ही दूंगी, तो और कल भी मिलेंगी मेरी मम्मा, अभी मम्मी रेडी बैठी हैं, तो चलो मैं मम्मी को आपको मिला ही देती हूँ। गाइस ये देखिए माय मॉम, गाइस इतना मज़ा आ रहा है ना आज, और कल तो भाई मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, अक्षिता आ रही है, महक आ रही है, बहुत मजा आएगा। ये देखिए ये मेरी माता है, कितनी क्यूटी क्यूटी माते माते, तो मजा तो बहुत आने वाला है। आप ये कपड़ों को ना इग्नोर करना क्योंकि कल तक ये नहीं रहेगी, क्योंकि ना हम लोग ऐसे ही हैं, कमरा गंदा करने वाले हैं। तो ठीक है, एसी तक ठंडा करता है ना ये, रही प्रिया सुमो रेसलिंग करते हुए। गाइस हम लोग मम्मी के लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं, छोटा सा आज दे रहे हैं दीदी, बस ये उसके अलावा दूसरा दे रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
हाँ ठीक है, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू नाना। अरे घंटे तो बोलेंगे बीच में भी केक गिर रहा है। एक वो ले लाना, गेड़ा के माथे पे लगाओ ये। नहीं खराब हो गया है बेचारी। अरे ऐसे ही लगाते हैं, तुम्हें पता ही कुछ नहीं है इसका फायदा क्या होता है। चलो ठीक है लगा दो। मैं लगा बाल में धोऊंगी कैसे, धुला वो चद्दर है। धो देना कुछ नहीं हो रहा। पानी से ही तो धोना है, कौन सा उससे धोना है, साबुन शैम्पू से ना लो केक। हां तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे। बस गाइस पापा तो मैं मम्मी के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ, मम्मी के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ और ये मैं मम्मी को दे रही हूँ। मीठा करवाओ तो पहले पापा बने ना। पापा आएंगे तब पापा मुझे बड़ा वाइट देना। आपसे कल सीधे 4 बजे मिलेंगे। वन मिनट मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, उसको खोलो, अभी खोलो, कोई बात नहीं, गिफ्ट रैप के हाथ है, कोई बात नहीं, आप खोलो, क्या कुछ अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए बस एक ही लेकर आई हूँ यार, खोल लो ना। लो कोई बात नहीं, खोलो अभी, खोल के देखो, बहुत सुंदर है। आप गंदे हो। कोई बात नहीं मम्मी खोल लो। हाथ धो के आ पाए तो मम्मी हाथ धो के आ रही हैं। एक गिफ्ट लेकर आए थे जो हम लोग एक अकेला गिफ्ट लेकर आए हैं, ये एक सौखा गिफ्ट है मगर बहुत छोटा है। लो एक बार खोल के देखो कैसा है, रिएक्शन दिखाओ हमें। चलो ना नाटक मत करो, खोलो खोलो। खोलना नहीं पापा के सामने खोलिए। खोलो जल्दी खोलो, काश हम मम्मी के लिए कुछ ज्यादा कुछ कर पाते। मम्मी से खुल ही नहीं रहा अभी तक, तो मैं पूरे चित्र चित्र उड़ा दी थी। बेटा माँ को ऐसे ही मत समझो, माँ यूं नहीं बन जाते। यार मामा क्या कर रही हो, जल्दी खोलो यार, मम्मी को अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। अरे खोलो भाई, कितना क्यूट है ना ये, कितने क्यूट हैं। मेरे जीवन की अन्नदाता प्राणदाता बुद्धिदाता। आपको ये चाहिए ना, इसके लिए शोकेस भी चाहिए पड़ता है। गिफ्ट लेकर आए हैं गाइस, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अगर काश होता कि हम लोग ज़्यादा गिफ्ट ला पाते तो ज़्यादा लेकर आते, तो अब हम लोग कल मिलते हैं, कल का ब्लॉग पूरा डालेंगे। गाइस हमने मम्मी को एक गिफ्ट दे दिया, बाकी के 37 गिफ्ट्स बचे हैं, कल देंगे बाकी मम्मी को, अभी मम्मी है नहीं यहाँ पे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। रात में ना गाइस मेरी दादी भी मम्मी को एक गिफ्ट दे रही है, आपको दिखा रही थी। दादी मम्मी को गिफ्ट दे रही है, सुंदर है ये गोल्ड के हैं। ये ऐसे नहीं है, ऐसे ही अच्छा है। कितने सुंदर टॉप्स हैं दादी ने दिए हैं गिफ्ट करे, गोल्ड के हैं ये ना। आवाज आ रही है करके ना, मतलब ये ऐसे मेरे को तो बता तो दो कितने हजार के हैं। 18,000 के। खैर छोड़ो बाकी सब तो होता रहेगा। गाइस अब ना मेरी ना फ्रेंड आने वाली है, 3:30 बजे आ जाएंगे, 4 बजे हम लोग सारे गिफ्ट ओपन करेंगे, मम्मी को देंगे सरप्राइज। और अभी बज रहे हैं 1:06, 2-3 घंटे बज। अक्षिता और महक आए हैं। गाइस अभी बज रहे हैं 4:30, 10 मिनट कम है और आ गए मेरे फ्रेंड। कनिष्का उसकी बहन आरवी, आरवी इनकी बहन है। गाइस अब हम लोग खोलने वाले हैं गिफ्ट।
गिफ्ट मम्मी को एक मेरा भी है। सो हम तो बहुत स्टार्ट है, मैं मेरा बहुत एक्साइटेड है, सॉरी बहुत स्टार्ट है। और मेरा भी एक गिफ्ट है। ठीक है सबके गिफ्ट है, मेरा सबसे ज्यादा है, मेरे प्रिया का सबसे ज्यादा, पर मेरा अच्छा है, मेरा सबसे अच्छा है। हां ठीक है अब हम लोग खोलने वाले हैं मम्मी के गिफ्ट, खुलाने वाले हैं मम्मी के गिफ्ट। मोनोपोली बोला और किसी ने फ्री फायर बोला। अरे आप पागल दिख रहे हैं, फ्री फायर कैसे बोला? डोमिनो फ्री फायर। चलो ठीक है बाय। फ्री फायर डोमिनो भी वही है, इंस्टाग्राम में महान हस्ती। खोल रही है मम्मी अक्षिता का गिफ्ट। यार लगा देना ट्राइपॉड पे, ये लगा दो ना यार, ये खोलने मम्मी कह रहा कुछ तो देखो
छोड़ी कर चल और दीदी के पैर साइड करते पैर दिखा छोड़िया गाड़ी छोड़िया तो जल्दी से चलेंगे देख कौन तो नहीं मैंने वाओ ये क्या है जिन गाड़ी और उनके पास आए तो मैं तो दिखाना चाहिए दिखाई नहीं दिए दिखा तो सही ऐसे मत कर तुम्हारी हमें को मिले मैं सच्ची गलती कर रहा हूं मतलब मैं क्या कर सकता हूं तो बता सकते हैं थैंक यू तो अब हम लिए ये भी इनके कुछ होता है अब देखा करो नकिन सर वो है शायद वाइप सी हां हां वाइप का आगे बढ़ता है पता है तो सबसे छोटी है बल्कि सबसे महंगी है सबसे कीमती चीज होती है अरे ये तो बिंदी है ना मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा इसमें क्या है तो नेक्स्ट ये खुलवाएंगे हाँ कंफ्यूजन हो जाती कंफ्यूजन कंफ्यूजन बिंदी इसमें ना गाना चला के म्यूट करके स्लो मूव में करते हैं मेरा पसंद पसंद किया था ये मेरा पसंद नहीं है चलो आगे बस आने लगी इसमें आएगा आपके बहुत अमेज़ लगने के लिए पहले हाँ अभी साइड टूटे बंदे तो पहले पहले तो किससे पड़ा आपका जस्ट
अब हम लोग मम्मी इसको रखो, अब हम लोग ले, अब हम लोग मम्मी को देने वाले हैं ये लो। जा चली जा चली मैं चली जा आपके पास कोक काटा है नहीं, इसको बंद करना ठीक है, बंद कर सकती है और इसमें अपनी ज्वेलरी सारी ठीक है। इतना प्यार, इतना प्यार, पहली बार देखा। हम लोग नेक्स्ट गिफ्ट देने वाले हैं मम्मी को, ये पता है इनको तो ये क्या है। अरे बस ना मामा, बस आप पहले ये मत करो ठीक है। हेलो मम्मी आपके लिए जल्दी करो मैं अपना ये मत करो पूरा नहीं प्रिया नहीं लोना बोलो सब लोग ऊपर तुम लोगों देखना लाइक ही लगे। हाँ ठीक है, मुझे लाइक ही बुक करनी है, मुझे डालनी होगी, डालनी है, कुछ लगे इनके वैसा बन रहा है नहीं तो हम सबने को यही बताया था। ये तो सुन रहा है ना, इसकी चेन देखो, बताऊंगी चेन। ये तेरा पसंद है? नहीं है ये यार, ये चेन चेन और दूसरी चेन का ओ कैसे। हम लोग मम्मी को ये देंगे, ये देंगे, ये पता नहीं है क्या है, ये देखेंगे, ये लास्ट में देंगे, ये लास्ट में देंगे। एक दिन मम्मी को देंगे, ये मुझे पता नहीं क्या है, देंगे देखो सुन लो। अब ये देंगे ये तो मैं खोल तो चला देती हूँ मम्मी से, मम्मी से चला देती हूँ। बताओ ये कैसे करते हो, कैसे चलेगा? हम एक साल के दो साल तो बचते हैं। ये क्या है, ये क्या है? छोड़ो ही। हाँ ये रहा वो बोलेंगे जो हमने लिया था। हाँ ये हम सब चीज भूल जाते हैं, ये वो तो नींद आके होगा, ये बोलेंगे ये पागल है कि दिमाग खराब मम्मी को देंगे ये पहले, ये दे रहे हैं ठीक है मम्मी, ये लो मैं मट्ट कर मैं आप जानती हूँ कितने पैसे खर्च करें उसके लिए, दुख लगता है काम करना। हाँ ठीक है चले जाना, क्या दोबारा फेक ही है वापस। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी लोगों को चाय लगा रहे हैं। टी टाइम। कितना बजे? 20 20 किलो का चाय पी लो। प्रिया मम्मी का ये पूरा खोल गया।
पहले खुल जाएगा, इस फिर दिखाती हूँ आपको। लाइनर वाला पेन रात के। मम्मी ये लास्ट वीक करेंगी, ये ऐसे पता है क्या है।
ये है फिर तो सारी खत्म। अब मम्मी पूछी देने वाली हमारी बहुत अच्छा लगा है मम्मी को पता चला है। तो गाइस अब ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, उसके बाद अगर हो सके तो आपको केक की भी दिखाएंगे। सो ठीक है गाइस, बाय बाय। मैं इस दिन का इतना देर तक वेट कर रही थी, अरे दिन इतना ही जल्दी ख़त्म हो गया, पर कोई नहीं, चलो बाय।